तो भाई वो आज हम आ रखे हैं दी ऑल न्यू हॉट एंड तीखी ब्रीजा भाई लेने के लिए। तो भाई अभी देख सकते हैं जो कि अभी आप शोरूम के अंदर लगी हुई है, तो भाई आज जो है ज़्यादा रश भी है। यहाँ आप देख सकते हैं जो कि इसका VXI वेरियंट खड़ा है, और वहाँ आप देख रहे हैं जो कि इसका VXI वेरियंट मतलब खड़े हैं दो, ये मतलब कलर चेंज है इनका। और अंदर आप शोरूम के अंदर जो देख रहे हो ये है टॉप वेरियंट डुअल कलर के अंदर है। आप देख रहे हैं जो इसके DRLs भी ऑन कर रखे हैं अभी अंदर। तो भाई अंदर जो है रश ज़्यादा है, पर जो भी हम यहीं से कार लेके निकलेंगे इसी रोड से, तो टॉप एंड वेरिएंट की भी जो वीडियो हम डालेंगे यूट्यूब चैनल पे अपने, तो और VXI वेरिएंट की, तो अगर आप ये देख रहे हैं तो इससे पहले जो है VXI वेरिएंट की आ चुकी है वीडियो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है लिंक भी मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो अभी जो मैं मतलब कार को लेकर निकलूँगा ऐसे, उसकी वीडियो भी आगे जो दिखाऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप करें वीडियो के आगे तक बने रहना। साथ ही साथ जिन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई वो भी चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है या बुक करानी है जल्द से जल्द बाय करनी है, तो उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे दूंगा, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर्स और शोरूम का एड्रेस ये सब दे दूंगा। इन दिल्ली अगर आपको बाय करनी है तो आप बता सकते हैं, उसके अंदर कॉल कर सकते हैं हमें। भाई अब आप देख रहे होंगे, तो भाई अब आप देख रहे होंगे कार को जो अब स्टार्ट कर लिया है, जो हम बाहर निकाल रहे हैं कार को, अब जो है इसको हम लेके चलेंगे और पूरा रोड टेस्ट आपको मतलब कि कैसे चलने में कैसी है, तो भाई पूरा आपको जो है रिव्यू दिखाएंगे हम कार का। अभी जो है कार निकाल रहे हैं, तो अभी हम देख आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो भाई ड्राइवर से लगता है भाई कार निकलनी है, तो चेंज करते हैं भाई रोड ड्राइवर। तो भाई ये कार नीचे आ चुके शोरूम से बाहर। नंबर प्लेट को हटा रहे हैं अभी भाई, जो है देख रहे होंगे आप नंबर प्लेट हटा चुके हैं भाई। तो भाई अभी आप देख रहे हैं कि जो भी हम कार को बाहर निकाल रहे हैं, तो हम जो जा रहे हैं पूरा रोड टेस्ट जो लेंगे, मतलब कि क्या कार के अंदर फीलिंग आ रही है, मतलब जो मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं जो भी कार आ रही है, जो हम इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। तो चलो भाई हम कार के अंदर एंटर हो जाते हैं, डोर करते हैं क्लोज। तो भाई अब मैं आपको जो आगे पूरा इसका रोड टेस्ट मतलब कि सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। तो भाई ये तो कुछ इसका आगे का फ्रंट का डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा आपको मिल जाता है इसका। आगे जो मैं आपको इसका पूरा बताऊंगा कि सनरूफ खोल के ये सब सारी चीज़ें दिखाऊंगा, यहाँ भी जो कंट्रोलिंग दे रखी है सब बता दूँगा। तो भाई अभी हम कार को, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कि हम लेके कार को निकल चुके हैं यहाँ से, तो अब हम चढ़ चुके हैं NH8 हाईवे पर। तो ये भाई जो है कार ड्राइव कर रहे हैं, तो भाई आपको कैसी लग रही है अब? भाई बढ़िया लग रहा है, पहले के वीजा से बहुत बढ़िया है। मतलब कि भाई बता रहे हैं कि कार जो है काफ़ी हद तक मतलब पहले से जो है बहुत अच्छी हो चुकी है। तो रोड वाला चलाने में कैसी लग रही है आप? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। और मतलब कैसा स्टीयरिंग पहले से बहुत बढ़िया स्टीयरिंग है इनकी पहले से भी। और कार वैसे सामने ऊंची ऊंची लग रही है ज्यादा? हाँ ऊंची है। तो भाई जैसा कि आप देख रहे होंगे ड्राइवर के आगे जो है वो भी हेड अप डिस्प्ले भी है। तो अब कार का जो है आगे हम पूरा डिटेल रिव्यू बनाएंगे। अगर वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आपको जो है आई बटन पे मिल जाएगी, नहीं तो आप जो कि चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी वीडियो फुल डिटेल रिव्यू वीडियो टॉप मॉडल का ZX5 प्लस वेरियंट का भी आएगा। तो भाई अभी हम जो है सनरूफ के थोड़े मजे लेते हैं, तो सनरूफ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से जो इसका पूरा ओपनिंग मतलब कैसे ओपन करते हैं इसको मिल जाएगा। तो पहले मैं जो आपको सनरूफ ओपन करके दिखाता हूँ, सनरूफ जो है पूरी ओपन हो जाती है यहाँ पीछे से, मतलब यहाँ रुकती नहीं मतलब पीछे तक हो जाती है इसके ऊपर पूरी। तो अभी यहीं से जो आपको इसकी कंट्रोलिंग है यहाँ से जो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं इसको, और टिल्ट भी हो जाती है। अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं टिल्ट हो जाती है, और यहीं से जो है आप नीचे इसको कर सकते हैं। तो भाई ये तो कुछ इसके बाद सनरूफ के बारे में बात होगी, मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो भी दिखाऊंगा। तो भाई ये बता रहे हैं कि हमें जो इसके अंदर पहले टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता, तो अब टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। तो एक बार भाई आप करके दिखा दें, ये लो ये किया, तो ये देख सकते हैं भाई टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल रहा है, और साथ साथ टिल्ट भी मिल जाएगा आपको, मतलब कि आप अपने हिसाब से ड्राइवर उसके बाद ऊपर नीचे ड्राइवर एडजस्ट कर सकता है।
जो है पहली बार मारुति के अंदर जो दे रहा है टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील, और अरीना सेगमेंट में तो पहली बार जो है ये सारे फीचर आ रहे हैं। नहीं तो आपने बलिनो में देखा होगा हेडअप डिस्प्ले, ऐसी डिस्प्ले जो आप देख सकते हैं म्यू सिस्टम की जो मिलती है, ये सब सिस्टम की, ये सब पहली बार मतलब मारुति की ब्रीजा में आया है। तो पूरा डिटेल वीडियो हम देंगे आपको। चलो तो अभी जो हम कार को लेके चलते हैं, तो भाई अभी हम निकाल चुके हैं दी ऑल न्यू हॉट एंड टिकी ब्रीजा को NH8 हाईवे पर, रोड टेस्ट ले रहे हैं भाई ये अपने, तो पूरा मतलब चला के देख रहे हैं कार को भाई, पूरे मजे ले रहे हैं भाई भी। भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। तो भाई भाई पूरे मजे ले रहे हैं इस कार के भाई। अब कार देखो भाई काफी ज्यादा मतलब हद तक ऊंची दिख रही है। कार नहीं हाहाकार है ये। तो भाई ये हाहाकार बता रहे भाई, तो मजे ले रहे हैं यार पूरे कार के। आपको जो है पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा चैनल के ऊपर, तो वहां से जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो भाई रोड पे तो हम लेके निकल चुके हैं भाई, तो अभी किसी के पास भी मतलब अभी तक तो किसी ने भी ली नहीं है, मतलब कार डिलीवरी नहीं हुई है इसकी। तो जो अभी हमें कहीं शोरूम पे ले जा रहे हैं वहाँ जो खड़ी होगी कार, तो भाई पब्लिक रिएक्शन जो है ना काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि सब बंदे जो हैं कार को देख रहे हैं क्योंकि पहले इन्होंने नहीं देखी है। तो भाई पब्लिक रिएक्शन बहुत ही अच्छा आ रहा है, मैं अगर कोई देखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मतलब अभी तो पीछे जो है हाईवे पे चल रहे इसलिए काफ़ी बंदे जो है दिख नहीं रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये बंदे देख रहे हैं आप इन भाई को, ये कार को जो है देखते जा रहे हैं सारे भाई। पब्लिक रिएक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा जब मार्केट वाले प्लेस में आ जाएंगे हम। अब हम ले रहे हैं सनरूफ के नज़ारे भाई, ये देखो भाई आप, अभी जो हम हाईवे पे चल रहे हैं सनरूफ के फुल नज़ारे लेते जा रहे हैं। कैरासीन आ रहा है भाई, आप सब देख रहे होंगे कार का। तो भाई रोड पे एक भी भाई मतलब ऑल न्यू वाली ब्रीजा मतलब जो जून में लॉन्च हुई है, तो भाई एक भी रोड पे नहीं निकली है। सब बंदे जो है मतलब पब्लिक रिएक्शन काफ़ी अच्छा आ रहा है, सब जो है हमें ही देखे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे मतलब, तो भाई ये है दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रीजा। तो इसके अंदर भाई पहली बार आपको एक और फीचर मिल रहा है एम्बिएंट लाइट। भाई आपको कैमरे के अंदर जो नहीं दिख रही होगी, पहला जो आपको ये चारों डोर ट्रिम के अंदर मिल जाएगी और यहाँ नीचे भी आपको मिल जाती है, यहाँ जो अभी दिख नहीं रही है क्योंकि दिन का समय है, रात को जो आपको क्लियरली मतलब शो होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी कुछ ऐसे इसके शो होता है, नीचे भी शो हो रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं लगाया गया, मतलब यहाँ भी जो है मतलब क्लियरली शो नहीं हो रहा है, पर डोर ट्रिम के अंदर आप देख सकते हैं जो कि अच्छा बिल्कुल बढ़िया शो हो रहा है। पीछे भी आप देख दिखा देता हूँ, ये देखो तो यहाँ देखो पूरे डोर ट्रिम में चारों में मिल जाता है और यहाँ नीचे भी आपको मिल जाता है।